जियो 5G चलाना अब और भी आसान हो गया। यकीन नहीं आता दोस्तों, आपको जो 1 GB 1.5 GB डेटा मिलता है ना, वो अब अनलिमिटेड मिलने वाला है जियो 5G में, और वो भी किसी भी फ़ोन में। अगर आपका फ़ोन 4G भी है उसमें भी आप 5G चला सकते हो और अनलिमिटेड डेटा मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर देना दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपको किसी भी फ़ोन में जियो 5G को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है माई जियो, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर अपने जियो नंबर से इसके अंदर रजिस्टर कर लेना। देन यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना जियो नंबर मिल जाएगा देखने के लिए, उसी के बगल में यहाँ पर आपको एक एरो का निशान मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एरो मिल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इस एरो पर क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है 5G कवरेज चेक, ठीक है। 5G कवरेज चेक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बता रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 7,764 सिटीज टाउन और 36 स्टेट में जो है वो 5G चालू हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपका जो भी स्टेट है, जैसे कि मैं बिहार में रहता हूँ तो यहाँ पर मैं बिहार सेलेक्ट करूँगा। अगर आप चंडीगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर भी आप रहते हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि उस स्टेट में जो जो सिटी है, आपका सिटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब जैसे कि मेरा जो सिटी है वो डेहरी है, तो यहाँ पर डेहरी दिख रहा है, यानी कि डेहरी में 5G नेटवर्क आ चुका है, ठीक है, 5G टावर आ चुका है, तो मेरा 5G यहां पर चलेगा। अब जैसे कि अगर आपका मान लीजिए कि फोन 4G है तो उसमें 5G कैसे चलाएंगे और अनलिमिटेड आपको डेटा कैसे मिलेगा, तो वो भी हम बात करेंगे। सिंपल इसे हम कट करने वाले हैं। आपको इसी के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है जियो टू 5G कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन अपग्रेडेड टू जियो, वेलकम ऑफर, अनलॉक ट्रू 5G नाउ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपके सामने ये कुछ इस तरह से खुलने लगेगा। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये दो ग्रीन टिक लग चुका है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इज़ योर हैंडसेट ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट नाउ और आई हैव अपडेटेड यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, अपना फ़ोन का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपको अपडेट कर लेना है। आपको देख लेना है कि आपका फ़ोन अपडेट है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपडेट नाउ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर चेक योर अपडेट पर क्लिक कर और देख सकते हो कि आपका जो फ़ोन है, जो आपका सिस्टम है, वो अपडेट है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा सिस्टम अपडेट है। अगर आपका सिस्टम अपडेट है तो आपको क्या यहाँ पर करना है, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन टिक, यहाँ पर देखिए दो में ग्रीन टिक लगा है, यहाँ पर आई हैव अपडेटेड पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या बोल रहा है, चेक योर 5G सेटिंग। तो यहीं से अब जो है आपका 5G शुरू होने वाला है। अब कैसे शुरू होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 4G भी फ़ोन है ना, उसमें भी 5G चलने वाला है, तो यहीं से वो सेटिंग शुरू होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेक योर 5G सेटिंग्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, गो टू सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क एंड इंटरनेट पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिम सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन से सिम में जियो सिम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना सिम 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रिफरेड नेटवर्क टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा। बस आपको प्रिफरेड नेटवर्क टाइप पर क्लिक कर और ये पहले से आपका 4G सेलेक्ट रहेगा, आपको क्या करना है, 5G सेलेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर 5G हो गया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नेटवर्क भी मेरा जो 5G है वो चलने लगा है। यहाँ पर पहले से 4G था तो यहाँ पर देखिए 4G चल रहा था, यहाँ पर देखिए 4G प्लस लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 5G करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो नेटवर्क है वो बदल चुका है और यहाँ पर 5G लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है वो आसानी 5G यूज़ कर सकते हो, बहुत ही मतलब कि छोटा सा सेटिंग करने से। तो कैसा लगा ये ट्रिक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।